केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों की योजना बनाने का काम करता है। उन्हें बढ़ावा देने और उनके देखरेख करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को दी गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे फिर से इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। हम कई महत्वपूर्ण काम आगे करेंगे। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है, उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है, माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु, तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं, उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। पर ये भावुक अपील इसलिए भी है कि पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को बचाना भी जरूरी है। इस मंत्रालय द्वारा अनेक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में उठाए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास इसको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा है टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे हुए, एलिफेंट प्रोजेक्ट के भी 30 साल पूरे हुए, मिष्टी जैसा प्रोग्राम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम प्रोग्राम को शुरू किया गया, उसके साथ ही साथ परिवेश पोर्टल को लागू किया गया, अनेकों विषय और रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने का काम किया गया है। अब देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ रही है, एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया में जो री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता हमने किया है, जो एक प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई, उसको बढ़ाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस जैसे बड़े क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड कार्यक्रम हुए। भारत ने जो दुनिया में अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत किए, उसमें भारत ने पूरी दुनिया में ये सिद्ध किया है कि पर्यावरणीय विकास के साथ साथ देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम जब यूएई में कॉप हुई तो उसको लॉन्च किया गया, और उन्हीं सारे विषय और प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे।